है ना, वो तो बिल्कुल वो पर गई है, बस स्वभाव तो ऊपर गया है, तुम्हारी तरह तिखी मिर्ची है ये एकदम। देख लियो, करवा चौथ के दिन जलेबी खा लेंगे, पछताते रही हो तुम। तुम जलेबी खाओ या जलेबे खाओ, हमारी तो जो सेटिंग होनी थी तो हो गई, अब ना तुम्हारे खाने से या भूखे रहने से कोई फर्क पड़ता है। ए, 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 एक मिनट एक मिनट, पर तुम हमारे खाए वक्त व्रत रख रही हो, खाए अरे ये व्रत की पति की लंबी उम्र के लिए होता है, हमारी तो उम्र ही नहीं बची है, तुम्हें क्या लगता है करने से यमराज हमको तुम्हारे पास वापस भेज देंगे? अभी एक सीन था मेरे और मेरे हस्बैंड खोदी, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 10 साल हो गए, लेकिन मैं आप देखो नहीं, ये तो मैंने इसलिए वाइट ड्रेस पहनी थी नेक्स्ट सीन के लिए क्योंकि उसमें मेरी सास की बरसी मना रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी सुहागन की तरह रहती हूँ, बड़ी सी बिंदी सब ज्वेलरी वगैरह लगा के। तो ये सीन मेरे और खोदी जी मेरे हस्बैंड के बीच में था, तो वो बोलते हैं कि असल से ज़्यादा सूद मतलब कितनी प्यारी है, तो मैं बोलती हूँ देखो इसकी शक्ल मुझसे मिलती है ना, कहते नहीं तुमसे नहीं बहू से मिलती है, तो मैं उनको धमकाती हूँ कि देख लो करवा चौथ के व्रत के दिन मैं जलेबी खा लूँगी तब पछताते रहोगे, तो कहते हैं तुम मेरे लिए करवा चौथ रखोगी? अरे मैं करवा चौथ तो पत्नियाँ इसलिए रखती है कि यमराज से वो अपने पति की लंबी उम्र मांगते, मेरी तो उम्र ही नहीं बची। तो मैं उनको कहती हूँ कि रिश्ता तन का नहीं होता, मन का होता है, भले ही तुम इस दुनिया से चले गए पर मेरे लिए तो तुम अभी भी हो, मैं तुमको देख सकती हूँ क्योंकि वाकई मेरे को ही दिखाई देते हैं, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, तो मैं व्रत क्यों ना रखूँ? तो वो मान जाते हैं और फिर हम एक रोमांटिक सा गाना गाते हैं कि तेरा मेरा प्यार उम्र फिर क्यों मुझको लगता है डर। तो यानी चौथ का सीक्वल शूट होने वाला है तो उसमें मैं भी प्लान कर रही हूँ व्रत रखने को, और मेरी बहू भी व्रत रखेगी, तो आप देखिएगा कि सास बहू कैसे मनाते हैं करवा चौथ।